हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ लाइफस्टाइल। तो मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि भाई आपने यूट्यूब चैनल कैसे निकाला, तो इसलिए मैं आज उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब चैनल निकालना बहुत ही इजी है। तो आप भी इस जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ उसकी तरीके से आप अपना यूट्यूब चैनल लेकर के आप अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो आप भी यूट्यूब चैनल शुरुआत कीजिए, यही मेरा इच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको खोलना पड़ेगा गूगल अकाउंट। तो गूगल अकाउंट में आप अपना फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा और उसके बाद में लास्ट नेम डालना पड़ेगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालने के बाद आप यूज़र नेम डाल के आपका कौन सा ईमेल आईडी वो डाल सकते हो, और पासवर्ड डालना। पासवर्ड डालने के बाद आपको एक बार फिर से कंफर्म करना पड़ेगा पासवर्ड। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट दबा देना। नेक्स्ट दबाने पर आगे प्रोसेस होगा। तो आपका यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर डालना पड़ेगा। और नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपको एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, आपको OTP मिलेगा। तो OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद यस आई एम इन करने के बाद आपको आई एग्री करने पड़ेगा। आई एग्री के बाद आपका गूगल आईडी ओपन हो गया। तो उसके बाद एक ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। तो आप कौन सा भी ब्राउज़र यूज़ करके वहाँ पे क्रिएट यूट्यूब अकाउंट या क्रिएट यूट्यूब टाइप करने के बाद आप कौन सा भी ओपन करके वहाँ पे साइन इन दबाना पड़ेगा। यहाँ पे साइन इन दबाने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा और नेक्स्ट करना पड़ेगा। ईमेल आईडी पासवर्ड डाल दिया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद आपका साइन इन हो गया। साइन इन होने के बाद क्रिएट चैनल करना पड़ेगा। वहाँ पे डैशबोर्ड में जाने के बाद क्रिएट चैनल करने का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखने के बाद क्रिएट चैनल पर क्लिक करना पड़ेगा। आपको क्रिएट चैनल क्लिक करने के बाद तो आपको ऐसा अपना चैनल दिखाई देगा। आपका चैनल अब वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा। आपका फ़ोन नंबर डाल के फ़ोन नंबर यहाँ पर डालने का और आपको एक OTP मिलेगा। तो आपको वो OTP यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। डालने के बाद सबमिट करना पड़ेगा। मेरा वाला OTP डाल दिया, सबमिट कर दिया आपने। अभी ये वेरीफाइड हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है मेरा। अभी कंटिन्यू करूँगा। अभी आपको YouTube में सभी एनेबल नहीं मिलेंगे। आपको बहुत सारे एक कस्टम URL आपको इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको कुछ कंडीशन रहता है। तो आपको इधर कंडीशन देखने मिलेगा, इसको 100 सब्सक्राइबर चाहिए। और इधर सुपर चैट के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, ऐसा एलिजिबल होना पड़ेगा आपको। तो अपलोडिंग आपको एनेबल है, आपका लॉन्गर वीडियो डाल सकते हो 15 मिनट तक। अभी मोनेटाइजेशन हो सकता है, अभी एनेबल करना पड़ेगा, लाइव स्ट्रीमिंग एनेबल करना पड़ेगा। और बहुत सारे अभी मोनेटाइजेशन एनेबल करते हैं हम, देखते हैं क्या क्या। अभी एनेबल किया। एनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डिटेल डालना पड़ेगा। अभी स्टार्ट करता हूँ मैं। तो अभी आपको यूट्यूब प्रोग्राम टर्म्स एंड कंडीशन है, तो आपको सभी टिक करना पड़ेगा। जो है सभी टिक करके आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू करने के बाद आप और एक निकलेगा, एक तो वेरीफाई हो गया और एक है वो नीचे वाला, वो स्टार्ट दबाना है। हाँ, स्टार्ट दबाने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, नीचे और बटन नेक्स्ट। और जो आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी से आप लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के बाद आपको यस एंड मीडिया कस्टमर हेल्पलाइन और प्लीज़ रिव्यू वो सभी, जो आपका कंट्री है वो कंट्री यहाँ पे डालना पड़ेगा। मेरा कंट्री है इंडिया, तो मैं अपना कंट्री का नाम इंडिया यहाँ पर सर्च करके डाल दूँगा। हाँ इंडिया यहाँ पर इंडिया मिलेगा। तो आपको यहाँ पर और नीचे ऐसा है रीडियन एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करके उसके पे टिक करना पड़ेगा। टिक करके क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। क्रिएट अकाउंट क्लिक किया, अभी ये स्टार्ट हो गया। यस, आपका यहाँ पे हो गया। अभी आप गेट स्टार्ट करना पड़ेगा। गेट स्टार्ट हो गया, अभी ये भी खत्म हो। आपको अभी यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वगैरह सभी डाल के, फ़ोन नंबर डाल के आपको सबमिट करने पड़ेगा। सबमिट करने पर आपका जो
आपको जो था ना वो सभी कंप्लीट हो गया। आपका दो पॉइंट कंप्लीट हो गए और अभी हमने दो पॉइंट कंप्लीट कर दिया। अभी तीसरा पॉइंट है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद आपको अपना ऐड कहाँ कहाँ दिखना है, यहाँ पे दिखा हुआ है, ऐड फॉर्मेट दिखाया है, तो आप सभी जगह रहने दो। यहाँ पे रहने देने के बाद आप यहाँ से सेव कर दो। सेव कर दिया, सेव करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे 4000 hours and 0 सब्सक्राइबर दिखाई देंगे। तीन पॉइंट अपना कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। अभी ये मोनेटाइजेशन क्या है कि आपको आपकी वीडियो पर जब भी आपकी वीडियो पर ऐड वगैरह जब भी दिखाई देंगे तो आपको मनी मिलेगा। जो आपके अकाउंट है वो लिंक करना पड़ेगा। बाद में आपका अकाउंट लिंक करने के बाद जो आपके वीडियो पर ऐड दिखाई देंगे उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो अभी उसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स रिव्यू चाहिए। तो अभी तो नहीं हुआ, अभी हम आगे बढ़ते हैं, जाते हैं एडवांस में। चैनल में एडवांस रहता है, वहाँ पे एडवांस में जाएंगे। वहाँ पे जाके आप अपना चैनल का आइकॉन चेंज कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे अपना आइकॉन चेंज करने वाला हूँ। अभी यस की जगह मैं कौन सा भी आइकॉन रख सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे जाके ऐसा दबाने के बाद ऐसा होगा, तो आपके मोबाइल में कौन सा भी फ़ोटो वगैरह आपका जो आइकॉन रखना चाहते हो, PNG फॉर्मेट होना चाहिए, नहीं तो इमेज JPG रहे तो भी चलेगा। तो मैंने डाल दिया, डन कर दिया। अभी ये अपलोड हो रहा है। अभी ये मेरा आइकॉन चेंज हो चुका है। उसके बाद मैं बैक आ जाऊंगा। अभी ये दिखाई देगा तो आपको दिखाई देगा अभी ये चेंज हो गया, तो आपको डायरेक्टली आपको नहीं दिखाई देगा कि ऐसा ही दिखाई देगा, तो आप रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार। चेंज पेज रिफ्रेश करने के बाद आपको दिखाई देगा चैनल का आइकॉन जो है वो चेंज हो चुका है। तो आपको ये ख़त्म होने के बाद अभी आपको डैशबोर्ड में जाना है। देखिए आपका कोई वीडियो अपलोड कुछ भी किया होगा तो आपको डैशबोर्ड में दिखाई देगा। अभी डैशबोर्ड में कुछ भी नहीं है, तो आप वीडियो अपलोड कैसे कर सकते हो आपको दिखाता हूँ। जो अपर मार्क है वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जो आपके मोबाइल में वीडियो है या आपके PC में वीडियो है, वहाँ जाने के बाद आप अपने मोबाइल से या आपके PC से जो भी वीडियो है वहाँ पर डाल के आप अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ सो ईजी। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट डाउन बिलो। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। बाय।